हेलो डियर एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट गेयर में। तो आप सभी के काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं या क्यूरीज आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं इस सेशन में आप सभी के जो कमेंट्स हैं उनके जो रिप्लाई है वो करूँगा, और साथ ही साथ आपके जो भी कमेंट्स हैं वो रीड करूँगा। आपके साथ ही साथ जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका भी सलूशन जो है आज ही इस वीडियो में आपके सामने ही मैं लाइव जो है वो करूँगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने जो भी कमेंट्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो काफ़ी जो स्टूडेंट है हमारे जो सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं अब वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपना YT स्टूडियो खोला हुआ है। तो आपके जो भी कमेंट्स आते हैं यहाँ पर मैं इनको रीड करता हूँ और उनके जो रिप्लाई है वहाँ पर कर देता हूँ। तो कई बार बिजी होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपके कमेंट्स रीड करूँगा, उनके रिप्लाई भी कर रहा हूँ। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होती है तो दोबारा से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में शो हो जाएंगे, आपका नाम भी शो हो जाएगा, जिससे कि आपको भी होगा कि आपका जो नाम है यहाँ पे शो हो गया, आपका जो क्वेश्चन है आपको भी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा जो कमेंट्स आएंगे या जो भी क्वेश्चन होंगे, सभी के जो भी क्वेश्चन हैं चाहे वो ETT रिगार्डिंग है, स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट रिगार्डिंग या मैरिटोरी स्कूल के रिगार्डिंग है, मैं सभी के यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो लेटेस्ट जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट कमेंट है वो है हरलीन कौर की तरफ से कि ETT के जो एग्ज़ाम है वो 2021-23 के कब होंगे। तो इसके संबंध में जल्द ही जो आपको जो लेटर है पब्लिक नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से SCERT की तरफ से जारी किया जाएगा, उसमें प्रॉपर आपकी जो डेट है वो भी मैंशन कर दी जाएगी। तो जैसे मुझे अपडेट पता चलेगी मैं वीडियो के ज़रिए आपको अपडेट करवा दूँगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपने 9th और 11th क्लास में किस में रजिस्ट्रेशन की है, तो यहाँ पर जो कमेंट्स आया है कि बोथ SOE और MTS में जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है वो की है, तो काफ़ी अच्छी बात है जिन्होंने दोनों में अप्लाई किया है या रजिस्टर किया है खुद को, तो उनके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी है। अगर एक में उनको एडमिशन नहीं मिलती है तो दूसरा स्कूल में वो एडमिशन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जसकरण सिंह की तरफ से सर मेरिटोरियस का एग्ज़ाम का सैंपल पेपर सेंड कर दो। तो देखिए आपके जो भी सैंपल पेपर है मैं एक वीडियो में आपको पूरे आंसर भी बताऊंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो देखिए मेरी जैसे यूट्यूब चैनल है इसी तरह मेरी एक वेबसाइट है, उसका नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं digitechgyan.com। आप गूगल में जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट मैंने आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैंने स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल एडमिशन सैम्पल पेपर जितने भी सैम्पल पेपर हैं यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी सैम्पल पेपर है डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे इस लिंक को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जो डिटेल्स है एग्ज़ाम डेट है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड जब आएगा उसका लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया है। 11th क्लास के सैम्पल पेपर जो हैं वो यहाँ पर जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर हैं वो यहाँ पर मैंने दिए हैं 9th क्लास के 11th क्लास के। इसके अलावा अगर आप मेरिटोरियस के संबंध में पिछले साल का जो मेरिटोरियस का जो पेपर है क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो सैम्पल पेपर है वो मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैम्पल पेपर फॉर मेरिटोरियस स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, तो यहाँ पर भी हमारी तरफ से जो सैम्पल पेपर है वो अपलोड किए गए हैं, तो यहाँ से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इसका पेपर पैटर्न, यहाँ से आप दे सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल का नाम जानते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं डिजिटेक ज्ञान, तो सर्च करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी वो मेरी वेबसाइट है, तो इस लिंक पर आप अपने जो भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो लिंक है अपनी वेबसाइट का या सैम्पल पेपर का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है
DS0469 की तरफ से, सर एमएनएस स्कूल बठिंडा में कहाँ पे है? तो देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ कहाँ पे है वो भी मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ दिखाऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो मैं साथ ही साथ आपको सलूशन भी बताऊंगा उसका। तो यहाँ पर एक शीट है मेरे पास, यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर कौन से स्कूल हैं और उनका नाम क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप, उनमें कितनी सीटें हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट स्कूल में कितनी है, प्राइवेट स्कूल के लिए कितनी बच्चों की सीटें हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा स्कूल वाइज कहाँ पे है। तो जैसे बठिंडा का इसने पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बठिंडा में ये कुछ स्कूल हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस के, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर नाम तो नहीं है सर, मेरा जाति सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ गई है सर, मैं वहाँ पर जनरल बर्थ दिया है बट मेरा जाति सर्टिफिकेट बैकग्राउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है कि आपने जनरल फिल कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी, आप जस्ट रजिस्टर कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ रिप्लाई भी कर देता हूँ, अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा होगा तो उनको कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरदीप सिंह की तरफ से पूछा गया है कि सर फाइनल सबमिशन के बाद अगर सिग्नेचर दोबारा अपलोड करने हो कि अपन कर सकते हैं? हाँ जी, तो देखिए जो भी आपका फॉर्म होता है ना, तो वहाँ पर आपको जो प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है, उसके बाद आपने लॉगिन करना होता है, उसके बाद आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, जो आपके स्कूल की डिटेल होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो उसको भी सबमिट करना पड़ता है, और अगर आपने उसको सबमिट कर दिया है तो फिर वो चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद आपने अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सबमिट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, अगर बाद में कोई करेक्शन आती है तो तब आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी इसका जो भी सोल्यूशन है, काफ़ी सारे कमेंट्स इसी तरह के हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो तैयार करूँगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है जी, डोंट वरी, अगर हो चुका है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जसप्रीत कौर की तरफ से, सर स्टेशन सेल्फ डिस्ट्रिक्ट में होगा? स्टेशन मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन मिलेगी, तो वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखा होगा, जैसे जलंधर, श्री मुक्तसर साहिब लिखा होगा, बरनाला लिखा होगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, और तहसील में भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखा होगा। तो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही बनेंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल्स होंगे वो आपके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो बनेंगे। तो जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, कैसे आपने जाना है, या कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने फॉलो करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, मेरिटोरियस का पेपर 30 मार्च को है 10th वालों का, तो देखिए जो मेरिटोरियस का एग्ज़ाम है 11th का होगा और 9th का होगा। तो पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था, तो अभी मैंने वो लेटर नहीं खोला है, बट जो लेटेस्ट लेटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जी। तो ये देखिए, ये 29 फेब को ये लेटर जो है वो जारी किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 8वीं और 10वीं कक्षा में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स का 9th और 11th क्लास के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 30 मार्च 2024 यानी शनिवार को होगा। तो देखिए काफ़ी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना दी थी इसीलिए कि आपको क्लियर हो जाए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को नहीं होगा। तो देखिए मुझे पहले से ही पता था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 11th क्लास के लिए 17 मार्च को नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 मार्च को ख़त्म होगी, यानी कि 15 मार्च तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाली है। तो 16 और 17 मतलब कि 2 दिन रह जाएंगे, तो 2 दिन या फिर कह सकते हैं हम 15 के बाद 16 आता है, तो 1 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आना होता है 1 हफ्ते बाद, फिर आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, तो इसलिए 10 से 15 दिन लग जाते हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए मैंने कोई ऐसे पहले की नहीं बताया कि कोई भी मुझे ऑफिशियल लेटर मिले तो ही मैं आपको सारी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करूँ। तो फिलहाल फाइनली जो लेटर है वो जारी हो चुका है, तो अब आपका 10th और 8th क्लास का जो एग्ज़ाम है यानी कि 9th और 11th क्लास की एडमिशन के लिए 30 मार्च को होगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी और भी
कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे दोबारा से भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है जगसीर की तरफ से, सर अनेबल टू सी फोटो डिनाई परमिशन आ रहा है, हाउ आई करेक्ट दिस करेक्शन। तो देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते, अगर फाइनल सबमिट नहीं किया है तो उससे पहले आप कोई भी करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेटोरिस का एग्ज़ाम भी 30 मार्च को होगा या फिर एमएनएस वालों का, तो दोनों का एग्ज़ाम सेम डेट को होगा। देखिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोनों का इकट्ठे ही एग्ज़ाम होगा। तो देखिए ये जो वेबसाइट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन स्कूल ऑफ एमएनएस एंड मेरिटोरियस स्कूल, तो दोनों का एग्ज़ाम एक ही होगा। जॉइंट का मतलब होता है इकट्ठे, तो एंट्रेंस टेस्ट दोनों के एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है, तो जॉइंट होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका रिप्लाई भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अनमोल प्रीत सिंह की तरफ से, सर प्लीज़ दस दो की फ़ोटो कीवें अपलोड करिए, कीवें क्लिक करिए कि अपलोड हो जावे प्लीज़। तो देखिए आपको जो फ़ोटो है उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसका जो साइज़ है वो छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोटो अपने फ़ोन में इस फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए, उसको कंप्रेस करिए, या फिर आप गूगल में जाके सर्च करिए फ़ोटो कंप्रेस कोई सॉफ्टवेयर आएंगे तो आप उसको वहाँ से अपनी फ़ोटो को कंप्रेस कर लीजिए, उसका साइज़ छोटा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सर जी मॉडल टेस्ट पेपर द अलग वीडियो बना दो। बिल्कुल जी, मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मैंने पहले एक रीजनिंग की जो एक वीडियो बना रखी है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो जिसमें रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद जो भी धीरे धीरे सिंपल पेपर जो है वो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। तो देखिए मैं प्रॉपर क्लास तो नहीं लगा सकता, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके सारी जो मैं गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो मैंने जैसे सैम्पल पेपर तो अपलोड कर दिए हैं, अपनी वेबसाइट पर भी कर दिए हैं, बट फिर भी मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, उसके जो सोल्यूशन है उसके आंसर कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, किस तरह से आपने उसको क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर वो बता दूंगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी रिलेटेड की सैम्पल पेपर की अलग से वीडियो बना दो, तो ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी आपका एग्ज़ाम जो है 30 मार्च को है, तो काफ़ी दिन है, तो मैं आपको प्रॉपर जो आपकी तैयारी है वो साथ ही साथ करवाता रहूँगा। सर नॉन मेडिकल स्ट्रीम पंजाबी में होता है, देखिए नॉन मेडिकल स्ट्रीम पंजाबी में नहीं होता है, वो इंग्लिश में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिप्लाई भी मैं साथ ही कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मेटोरिस रजिस्ट्रेशन करती पर सेंटर नहीं आ रहा, तो देखिए सेंटर आपका अभी नहीं आएगा, सेंटर आपका एडमिट कार्ड आने पर आएगा। सर आई पुट अ पिक्चर इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर बाय मिस्टेक सो आई कैन डू नॉट। तो मैंने जैसे पहले आपका रिप्लाई किया इसी तरह का क्वेश्चन था कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है फोटो सिग्नेचर को, तो कोई भी करेक्शन नहीं होगी। तो बाद में आपकी करेक्शन होगी या नहीं होगी उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका क्या सलूशन है, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, या अगर एडमिट कार्ड में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप क्या सलूशन करेंगे, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियंका की तरफ से पूछा गया, सर मेरे पास नीला कार्ड था पर मुझे पता नहीं था कि उससे ही आटा दाल स्मार्ट कार्ड कहते हैं, और मैंने नो फिल कर दिया है, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। देखिए आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो कोई भी कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, अगर बाद में करेक्शन आएगी तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको आटा दाल कार्ड चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे भी सीट मिल जाएगी अगर आप अच्छे नंबर लेंगे। तो ये सिर्फ उनके लिए नेसेसरी था अगर कोई प्राइवेट स्कूल का है, अगर आप प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड हैं तो आपको बाद में करेक्शन की ऑप्शन आएगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मेटोरी स्कूल में ही स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत है, आटा दाल स्कीम कार्ड की, अदरवाइज स्कूल ऑफ एमएनएस में ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सर एडमिट कार्ड कब मिलेगा? तो आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपके एग्ज़ाम की डेट है, उससे 1 वीक या 10 दिन पहले आ जाएगा। तो मुझे जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए या फिर अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर फॉर्म सबमिट हो गया है एग्ज़ाम सेंटर और रोल नंबर कब आएगा। तो सेम क्वेश्चन ही है कि आपका 8 दिन या 10 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड रोल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बब्बू सिंह की तरफ से सर जी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं है सर इस बार। तो देखिए इस बार कोई भी फ़ीस नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बार स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेट्रो स्कूल का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है। तो जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है उनकी कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए अब जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो मेट्रो के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है। तो कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी आपको, बाद में भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर मैं टेलीग्राम यूज़ नहीं करती सिंपल पेपर दा तुसी YT ते वीडियो बना दे प्लीज़। ज़रूर बनाऊँगा मैं। इसके अलावा मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए कुछ स्टूडेंट जो है टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो मेरी वेबसाइट है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से कोई हेल्प जो है वो आपको चाहिए किसी भी तरह का आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अरमान की तरफ से सर मेटोरियो स्कूल ऑफ एमिनेंस दोनों का टेस्ट एक दिन कैसे देंगे, मैंने बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो देखिए एग्ज़ाम आपका सेम होगा, पैटर्न आपका सेम है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इसी तरह के अभी आ रहे हैं, मुझे क्यूरी भी है, इंस्टा पे भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस सेम है, एक ही सिलेबस आएगा आपको, अलग अलग सिलेबस नहीं आएगा। तो इसलिए डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम एक ही होगा। बाद में आपको पूछा जाएगा कि आपने स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना है या फिर मेरिटोरियस में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आप चॉइस करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जी मेरिटोरियस ते स्कूल ऑफ एमिनेंस द एग्ज़ाम कम्बाइंड होना, बिल्कुल जी बिल्कुल कम्बाइंड होगा एग्ज़ाम, ठीक है जी। इसका रिप्लाई भी कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही पूछा गया है, एग्ज़ाम कंबाइंड होगा, यस। सर जी मेरिटोरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है? तो मेरिटोरियस का जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को होगा। तो मैंने जैसे आपको अभी लेटर भी बता दिया है, ठीक है जी, तो आप नोट कर लीजिए अपना सभी जो स्टूडेंट्स हैं। हेलो सर एग्ज़ाम द सेंटर कितने बनेगा दस? तो एग्ज़ाम का सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में बनेगा जी। सर वेयर इज़ द लिंक ऑफ सैम्पल पेपर? तो लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, तो लीजिए मैं डायरेक्ट आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये रहा लिंक, इसको मैंने कॉपी किया, तो लीजिए ये आपको मिल गया लिंक, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि जो भी कमेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने किया है या जिन्होंने किया है वो वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट चलो इसीलिए मैं साथ ही साथ उनका जो रिप्लाई है वो कर रहा हूँ। सर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल की एडमिशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है या आपके जो स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है, ए पंजाब स्कूल की जो वेबसाइट है यहाँ पर एक लिंक दिया गया है ऑनलाइन एडमिशन का। तो यहाँ पर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कीजिए, किस क्लास में एडमिशन लेनी है वो सिलेक्ट कीजिए, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप अपना स्कूल किस स्कूल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड स्कूल करके यहाँ से फॉर्म सबमिट कर दीजिए, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन लेनी है। तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दिनेश पंडित की तरफ से, सर मेरिटोरियस का कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लाई भी कर दिया गया है, थैंक यू जिन स्टूडेंट्स की तरफ से रिप्लाई किया जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि काफ़ी स्टूडेंट की जो हेल्प है वो कर देते हैं। सर हेल्पलाइन वाले कॉल ही पिक नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, नहीं पिक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर जो भी आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन जो है वहीं पर आपको कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेलो सर जी अब मेरिटोरियस स्कूल के एग्ज़ाम के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कमेंट यहाँ पे किया गया है, इंग्लिश साइंस मैथ SST हिंदी पंजाबी और वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो राज करण सिंह की तरफ से ये जो रिप्लाई किया गया है, थैंक यू डियर।
तो ओनली साइंस मैथ पढ़ने हैं 35-35 मार्क्स से रिस्पेक्टिवली, गुड। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से सिलेबस आने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ पे आपको गणित का आएगा, साइंस का, SST का आएगा, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। तो कितने कितने नंबर का आपको पेपर आने वाला है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 30, 30, 30, 10, 10, 10 है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो 30 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आप यहाँ से, हम यहाँ पर भी इसका जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। पेज अभी ओपन नहीं हो रहा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, अब मैंडेटरी स्कूल के एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेम क्वेश्चन है। सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? तो देखिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर नोटिस बोर्ड लिखा है, तो आपको यहाँ पे जो लिंक है वो मिलेगा, या फिर आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन में जाके आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से आपको डाउनलोड करना है वो जब एडमिट कार्ड आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कहाँ पे लिंक आया है, लॉगिन में आया है या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिंक आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो इनका क्लियर हो गया। नेक्स्ट निकू की तरफ से हेलो कहा गया है, हेलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थैंक्स किया गया है, थैंक्स जी। सर मैंने एमएनएस मेटोरीज का बहुत फॉर्म फिल कर दिया है बट ना कोई OTP आया। सर मुझे ये जानना है कि OTP क्यों नहीं आया है, सर मेरा फॉर्म सही से फिल हो गया ना सर? तो देखिए अगर OTP नहीं आया तो कोई और नंबर आप मोबाइल नंबर फिल कीजिए, वहाँ पर आपको OTP आ जाएगा। कोई नेटवर्क का इशू होगा तो इसलिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपका चेक कर दूँगा। तो OTP आएगा तो ही आपका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विकास की तरफ से, सर NTSC का एडमिट कार्ड कब आएगा पंजाब में? तो वो जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, अभी फ़िलहाल कोई उसके रिगार्डिंग कोई लेटर या अपडेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर 65 नंबर वाले एडमिशन हो जाएगी या नहीं? तो देखिए ये ETT की रिगार्डिंग है, तो ETT की सेकंड काउंसलिंग या सेकंड मेरिट लिस्ट आने पर क्लियर होगा कि आपका जो नंबर है वो आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने सुना है 17 मार्च में पेपर स्कूलों में मिस था, टीचर बोल रही थी। तो देखिए मैंने आपको लेटर भी बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 9th-11th क्लास के लिए जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। सर मैंने KVB करके स्कूल ऑफ एमिनेंस विच एडमिशन लेनी है 9th, प्लीज़ सैम्पल पेपर भी दे दो, रीजनिंग और वर्बल द की मीनिंग है। तो देखिए मैंने रीजनिंग वर्बल की वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, एक और वीडियो संडे को आपको मिल जाएगी तो वो भी आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट होगा वो, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो सैम्पल पेपर है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट को जो कमेंट किया गया है कि सर हमें एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से मिलेगा, मैंने बता दिया आपको। सर ऐसे हुई मेरिटोरियस का पेपर की टाइम और डेट सेम ही है, उसमें क्वेश्चन भी सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे। सर प्लीज़ मेरिटोरियस का सैम्पल पेपर अपलोड करवा दो जी, मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड कर देता हूँ दीजिए। तो सर मैंने स्कूल ऑफ एमिनेंस भर दिया है, दोबारा मेरिटोरी स्कूल भर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भर के प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल ऑफ एमिनेंस फिल किया है दोबारा फिल करेंगे तो आपको दो दो एडमिट कार्ड आएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप या स्कूल ऑफ एमिनेंस का टेस्ट देंगे या फिर मेरिटोरी स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर मेरिटोरी का एग्ज़ाम देना है तो आप दोबारा से फिल कर सकते हैं, फिर स्कूल ऑफ एमिनेंस का एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपका एग्ज़ाम एक ही होगा। तो अगर आपने बोथ की ऑप्शन सेलेक्ट की है फिर आप दो एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं इकट्ठे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर सब्जेक्ट कौन से आएंगे, तो सब्जेक्ट नीचे आंसर कर दिया है
किसी हमारे सब्सक्राइबर ने, तो 6 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको आएंगे। सर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि 15 मार्च तक भी स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया है, तो इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लेटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं SEO स्कूलों में 9th और 11th क्लास की रजिस्ट्रेशन में आखिरी मिति में जो है वो एक्सटेंड की गई है। तो यहाँ पर जो पहले डेट थी वो 10 मार्च थी, उसके बाद 15 मार्च कर दी है। तो इस तरह अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कम स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, तो इसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सर मेरा कास्ट OBC है, व्हाट कैन आई डू? तो कोई बात नहीं, जो भी आपकी कास्ट है वो आप अप्लाई कर दीजिए। सर जी पेपर टिक द करेक्ट में आएगा क्या ऑल रिटर्न में? तो देखिए आपका जो पेपर आएगा वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, MCQ क्वेश्चन होंगे, तो जस्ट आपको टिक करनी है, ठीक है जी, MCQ क्वेश्चन होंगे तो जस्ट आपको टिक करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर पेपर देने लिए रोल नंबर भी मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, रोल नंबर मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पर, आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी क्या आपने साथ में लेके जाना है, क्या नहीं साथ में लेके जाना है, कितने बजे पहुँचना है, कितने नंबर का पेपर होगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगी। तो सुख चाहल की तरफ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं काफ़ी सारे जो कमेंट्स के आप देख ही सकते हैं मुझे कितना टाइम लगता है सभी के कमेंट्स पढ़ने में, रीड करने में, उनका रिप्लाई करने में। तो मैं साथ ही साथ वीडियो बना रहा हूँ और उसको बाय एडमिशन मत करवाना, तो पता नहीं इसने क्यों लिखा है, तो इसका तो मैं कोई रिप्लाई कर नहीं सकता हूँ। हेलो सर, अगर हम पेपर में 6 नंबर लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम मेट्रो स्कूल में वहीं हॉस्टल में रहेंगे? यस, आप बिल्कुल हॉस्टल में ही रहेंगे। तो आपको रिप्लाई भी कर दिया गया है राजकरण सिंह की तरफ से, वेरी गुड सर। कि इतने फोन अलाउड है? तो देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में आप स्कूल में जाएंगे तो फ़ोन लेके नहीं जाएंगे, पर घर आकर आप अपना फ़ोन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट मेरिटोरियस स्कूल में आप हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ पर आपको कोई भी फ़ोन नहीं मिलेगा। घर पर भी अगर आपने बात करनी है तो वहाँ पर आपको हॉस्टल का एक नंबर जो है वो दिया जाएगा, उससे ही आप बात करवा सकते हैं। तो MTS में, मेट्रोस में फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एडमिट कब आएंगे? एडमिट कार्ड आपके 8 या 10 दिन पहले आ जाएंगे, जब भी मुझे अपडेट पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस सर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, फॉर्म भी आ गया है, मेंशन पेपर कहाँ पर होगा, कब होगा? तो आपका जो पेपर होगा 30 मार्च को होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। सर जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अटल दास स्कीम वाला कार्ड नहीं है, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? देखिए जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में हैं, अभी यहाँ पे पूछा नहीं है कि किस में इन्होंने एडमिशन करवानी है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में कोई भी गवर्नमेंट टीचर है, कोई भी है, तो वो आप किसी भी पेरेंट्स कोई जॉब भी करते हैं तो उनको स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन मिलेगी। बट जो मेरिटोरियस स्कूल है वहाँ पर अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं और आटा दाल स्कीम कार्ड है तो आपकी एडमिशन होगी, और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं और आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर मैंने कैफ़े में से करवाया था, उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस भर दिया है, ये ठीक है क्या? मैंने मेरिटोरियस में जाना है। तो डियर आपको दो ऑप्शन है अब आपके पास, या तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कीजिए और मेरिटोरियस फिल कर दीजिए, तो आपको मेरिटोरियस का जो एडमिट कार्ड आएगा आप उसमें जाके जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना पड़ेगा। सर सिलेबस सेम है क्या? जी बिल्कुल सिलेबस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर 2024 का भी सिलेबस सेम है क्या? यस सिलेबस सेम है, सेम पैटर्न आएगा जो स्कूल ऑफ एमिनेंस का है। सर फोटो गलत अपलोड हो गई है, अभी फाइनल सबमिट कर नहीं करा फिर भी चेंज नहीं हो रही। तो देखिए जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद चेंज नहीं होता है। ओके, इसकी तरफ से रिप्लाई भी कर दिया है कि अगर कोई गलत शो होता है तो न्यू टैब करो तो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने सही फ़ोटो से अपलोड की है तो आपको गलत शो हो रही है तो वो वेबसाइट का इशू है, बट अगर आपने गलत अपलोड कर दी है तो आपको फिर वो करेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, अगर करेक्शन आएगी तो। सर फीस नहीं है इस बार कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विच बेस्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल? तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और
मेट्रो स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं एक लेटेस्ट वीडियो जो है वो भी आपको बनाकर दिखा दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड सेलेक्ट किया है वो किस स्कूल में जाना चाहेंगे या जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हरजीत सिंह की तरफ से, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। क्या रिप्लाई कर दूँ? ओके नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सर मेरे कॉल तो सिग्नेचर दी फोटो दी तो गलत लग गई है। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन ना करो, तो यहाँ पर रिप्लाई भी कर दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया अगर कोई करेक्शन आएगी तब आप करेक्शन जो है वो अपनी कर सकते हैं। सर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप कब आएगी बता दीजिए, जल्दी आ जाएगी, फीस कोई नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, अभी मैं थोड़ा फॉरवर्ड हो जाता हूँ, थोड़ा फास्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई बुक है? तो जो बुक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है मेट्रोज के लिए, उसमें प्रीवियस आपको एग्ज़ाम भी मिल जाएंगे। तो जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है उसके रिगार्डिंग कोई भी बुक नहीं है। नेक्स्ट लिंक प्रोवाइड कर दो जी सैम्पल पेपर का स्कूल ऑफ एमिनेंस 11th का। ओके NCERT सेटविक। सर 1 मार्क्स वाले किधर से करें? बुक में तो मोस्टली क्वेश्चन है, रिप्लाई प्लीज़। तो देखिए जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं में से आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे। हम टेलीग्राम चैनल नहीं यूज़ करते। ओके कोई बात नहीं, आप मेरी वेबसाइट यूज़ करो, वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा आप, मैंने अभी अपना व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सही ईमेल आईडी भरी थी लेकिन वो फॉर्म पे शो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। इनवैलिड यूज़र बता रहा है तो उसको चेंज कीजिए। सर आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है, लिंक शेयर कर दीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट गूगल पे जाके डिजिटेक ज्ञान सर्च कीजिए, तो मेरे जितने भी जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम सभी की आपको लिंक मिल जाएंगे। ये वेबसाइट है, यूट्यूब है, इसके अलावा टेलीग्राम, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर दे सकते हैं। शेयर चैट है, तो सारी चीज़ें जो भी मैं यूज़ करता हूँ वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप गूगल में जाके जस्ट मेरा चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो अभी जैसे सर ETTD कोई अपडेट, ETTD की अपडेट जब आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ़िलहाल काफ़ी सारे मैंने कमेंट रीड कर लिए हैं। तो PDF कैसे डाउनलोड करें? तो PDF का लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स रीड कर लिए हैं, तो अभी वीडियो भी लंबी हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ या जिनके कमेंट्स नहीं रीड कर पाया हूँ उनकी मैं रिप्लाई जो है वो उनको वेबसाइट पर ही कर दूँगा। तो अगर आपकी कोई भी फिर भी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भी वीडियोज़ आती हैं उनको सेव कर लीजिए, या फिर जो आप अपनी कोई डाउनलोड या फिर प्लेलिस्ट में उनको सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी हो या पढ़नी हो तो वो आप वहाँ से दे सकते हैं। तो आप सभी का थैंक्स करता हूँ कि आप काफ़ी जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको जब तक आपकी, आप जो स्कूल यहाँ पर देख रहे हैं, जब तक आपकी इन स्कूल्स में क्लासेस शुरू नहीं हो जाती मैं आपको प्रॉपर सारी जो चीज़ें हैं वो बताता रहूँगा। जो भी आपकी एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ। अब आपके रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा वो बता देता हूँ शॉर्टकट में। अब आपके जो अगर करेक्शन हुई तो करेक्शन पैनल खुलेगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी स्कूल में एडमिशन होगी, उसके बाद आपको स्कूल की जो क्लासेस हैं उनमें बुला लिया जाएगा। तो ये थोड़ा ये सारा प्रोसेस आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको मिलती रहेगी। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।